जब माँ ने अपने बच्चों को दूसरे जंगली जानवरों से बचाया। माँ दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। जब एक छोटा भालू पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर कुत्तों की नजर पड़ती है तो वो इसका शिकार करने के लिए इसके पास आने की कोशिश करते हैं, और इतने में ये बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है, जो चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगता है। और बियर इसके पास आकर सबसे पहले इसे एक सेफ जगह पर लेकर जाती है और कुत्तों को भगाने के लिए तैयार हो जाती है। और जिस पहाड़ी के ऊपर कुत्ते आ रहे थे वो उनके ऊपर पत्थर बरसाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ते इससे भी नहीं रुकते और वो फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। वो बिल्कुल बियर के पास पहुंच चुके थे, जिसके बाद उस भालू ने रेत उड़ाना शुरू कर दिया, मानो वो उन्हें वहां से जाने की बोल रही हो। लेकिन अभी भी कुत्ते शिकार की ताक लगाए बैठे थे, और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल, और वो था शिकारी जानवरों और माँ के बीच, जहाँ मादा भालू काफी ज्यादा हिंसक रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद वो सभी कुत्ते पहाड़ी से गिरते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उन्हें एक एक करके पकड़ पकड़ कर नीचे फेंक रही थी। वैसे आप लोग यहाँ जंगल में घूमने आए जिराफ और उसके छोटे बेबी को देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही लॉयंस को इस बात का पता चलता है तो वो पूरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन शेरों को अपनी तरफ आता देखकर ये दोनों माँ और बेटा अपने ग्रुप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन शेर के हमले के बाद ये ग्रुप पूरी तरह से अलग अलग बिखर जाता है। ये जिराफ अपने बच्चे के साथ ही रहती है ताकि शेर इसका शिकार ना कर पाए। शेर इन दोनों के बिल्कुल नजदीक आ चुका था, जो कि लगभग उनका शिकार करने ही वाला था, लेकिन तभी जिराफ का वो बच्चा वहां आए शेर से दूर भागने के चक्कर में अचानक से एक खड्डे में गिर जाता है, और तभी मौके का फायदा उठाकर दूसरा शेर उस बच्चे के पास पहुंचकर उसे घायल कर देता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे एक नदी के किनारे ले जाता है। लेकिन देखते ही देखते वो माँ अपने बच्चे के पास आ पहुंचती है और वो शेर को वहां से भगा देती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो शेर वहां पर फिर से आ जाता है, लेकिन वो जिराफ फिर से उसे वहां से भगाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। ये संघर्ष जिराफ और शेरनी के बीच चल ही रहा था कि इसी बीच वो बच्चा खड़ा हो जाता है और वहां से भागने लगता है, जिससे हम देख सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शेरों के हाथ कुछ नहीं लगता। वैसे तो हाथी काफी ज्यादा शांत प्रवृत्ति का जानवर है, लेकिन बात अगर इसके बच्चे पर आ जाए तो ये भी हिंसक रूप धारण करने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। यहाँ पर हाथियों का झुंड हम लोग देख सकते हैं, जो कि अपने झुंड में वहाँ पर अपने छोटे बच्चे के साथ घास खा रहा था। यहीं पर काफी सारे और बगुले भी मौजूद थे, लेकिन ये हाथी का छोटा शरारती बच्चा एक बगुले के साथ खेलते खेलते उनसे थोड़ा दूर चला जाता है, और जब उसके ऊपर शेरों की नजर पड़ती है तो वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब इस बात का पता छोटे बच्चे को चलता है और चिल्लाते हुए अपने झुंड की तरफ वापस आने लगता है, जिसके बाद हाथी भी अलर्ट हो जाते हैं और वो एक घेरा बनाकर उस बच्चे को उस घेरे के अंदर ले लेते हैं। और जब तक शेर वहां पर आते तब तक वो बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका था, जिसके बाद होती है असली लड़ाई। ये हाथी शेरों को दूर भगाने के लिए काफी मशक्कत करते हैं, शेर भी उनको दहाड़ कर डराना चाहते थे, लेकिन हाथी ने अपने सूंड के बल पर उसे पीछे भगा दिया और उसे लात मार कर खदेड़ने की भी कोशिश की। और काफी देर तक ये लड़ाई इसी तरह चलने के बाद शेर वहां से चुपचाप चले ही जाते हैं। यहाँ पर हम एक माता लेपर्ड को अपने बच्चे के साथ खेलते देख सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक हाइना आ जाता है जो उस बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता था, जिसके चलते लेपर्ड का बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागकर झाड़ियों में छिप जाता है। लेकिन इतना देखते ही लेपर्ड की माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाइना को मजा चखाने लगती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, जब ये हाथी इस रेगिस्तान जैसी जगह से निकल रहे थे तो अचानक से कुत्तों के झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके साथ एक बेबी एलिफेंट भी था, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचते हाथी उसकी सेफ्टी के लिए आगे आ चुका था और उस हाथी ने कुछ ही देर में उन सभी कुत्तों को वहां से भगा दिया। दोस्तों एनिमल्स फाइट की वीडियो देखनी है तो ये रही, और अपना सपोर्ट देने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।